हेलो जी, राधे राधे। तो मिलान के ट्रैवल व्लॉग पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में हमने देखा कि हमें कौन कौन से प्लेसेस कवर करने चाहिए। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिलान, उसका एक बेसिक आइडिया लेंगे और हम कैसे मिलान में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक आइडिया लेंगे। अभी जो आप सामने देख रहे थे ये स्कीइंग का स्टूडेंट्स का सिखा रहे थे आपके दर्शना डल नाविग्लो के बगल में। चलिए आइए ये हम देखते हैं। मेट्रो स्टेशन पे एक जो आपका मशीन था, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं आपको ये 3 आवर का पास है जो 2.20 यूरो लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 जोन्स में जाएगा, ये डे पास है 1 दिन का 7 यूरो 60 सेंट्स, और ये 3 दिन का पास है मतलब 24 घंटे × 3 यानी 3 दिन का पास है जो 13 यूरो में आएगा। और बगल में आप ग्रुप टिकट्स भी देख सकते हैं। तो इधर 2 ऑप्शन आते हैं आपके, कार्ड से पेमेंट से और कैश के पेमेंट से। तो हमने अपना डे पास सेलेक्ट किया और 7 यूरो 60 सेंट्स दिए। ये आपका जो अभी प्राइस है ये 2023 दिसंबर के टाइम का था। तो अभी जब हमने सारे टिकट्स बुक कर लिए तो हम यहाँ से अपना डे प्लान करेंगे। और मैं बता रही हूँ आपको, जो टिकट्स होते हैं, जो आप टिकट्स खरीद रहे हैं, तो मिलान में जो टिकट्स प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है ATM कंपनी, जो आपकी होती है एजेंडा ट्रांसपोर्टो मिलानो। तो ये जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है ये आपको टिकट्स प्रोवाइड करती है, जो आपकी 80 बस लाइन्स, 17 ट्राम लाइन्स और 5 मेट्रो लाइन्स M1, M2, M3, M4, M5 सारी कवर करती है। तो अगर आप डे पास ले लेंगे तो उसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी हम आए थे यहाँ पे तो मेट्रो का मिलान सेंट्रल स्टेशन है, ये आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सेंट्रल स्टेशन है। और इसके लिए आपको अगर मिलान सेंट्रल स्टेशन डायरेक्ट आना चाहते हैं आप मिलान मालपेंसा एयरपोर्ट से, तो आप उसके लिए मिलान एक्सप्रेस लेना पड़ेगा, आपको मालपेंसा एक्सप्रेस लेना पड़ेगा जो डायरेक्ट आपको सेंट्रल स्टेशन से यहाँ पर ला देगी। और उसका एक पर्सन का दाम आपका पड़ता है 7 to 10 यूरोस। और इसकी कोई स्टॉपेज नहीं होती है, डायरेक्ट हाई स्पीड से यहाँ पे आती है। और अभी हम सामने मिलान सेंट्रल स्टेशन के पास का देखे थे कि बहुत सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं तो सेंट्रल स्टेशन के अगल बगल भी होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन ऐसा बिजिएस्ट एरिया, हर एक जगह का सेंट्रल स्टेशन, जैसे आप जर्मनी हो गया, आपका मिलान हो गया, आपकी दूसरी कंट्रीज़ हो गई, तो सब जगह पे सेंट्रल स्टेशन जो होता है वो बहुत फेमस होता है। इसके बगल में आप होटल ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डे पास से ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे भी, तो वो आपको एक इजी प्रोसेस रहेगा। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये मिलान का वर्टिकली फॉरेस्ट था जो ये बहुत फेमस है। इसके अगल बगल ही आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख जाएंगे ऑफिसेस के, ये थोड़ा कॉरपोरेट एरिया जैसे था जो ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा डे पास का बात हो गया, हमारे कितने ट्राम्स लाइन से वो हमने कवर कर दी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी बसेस होती है, ट्राम्स होती है, मेट्रो होती है, सब में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपने टिकट्स नहीं खरीदा है तो आप बसेस में चढ़ के भी वहाँ से अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको टिकट बुकिंग मशीन चाहिए तो वो बस स्टॉप्स पर नहीं मिलेंगे, ये बात नोट करने वाली है। जो भी टिकट्स होते हैं वो हमेशा मेट्रो स्टेशन के नीचे में, वहाँ पे आपको सारी टिकट मशीन्स दिखेगी, तो आप उसमें नहीं खरीद सकते। ट्राम में भी कोई मशीन नहीं होती है, तो हमेशा आपको टिकट जब भी खरीदना आपको नियर बाई मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्टेशन पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ हो गई हमारी कि जो M4 मेट्रो है वो आपको मिलान लिनाटे जो है एयरपोर्ट वहाँ से डायरेक्ट चलती है, जो सैन बाबिला ला देगी, उसका आपको 12 यूरो कॉस्ट पड़ता है। जो मैं टिप दे रही हूँ आपको कि मिलान में एक्चुअली 2 एयरपोर्ट है, मिलान लिनाटे और मिलान मालपेंसा एक्सप्रेस। आप हमेशा प्रेफर करें मिलान मालपेंसा एक्सप्रेस से जाने का, क्योंकि ये जो है आपका थोड़ा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ से हर चीज़ों की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक टिप मैं दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डे पास लेंगे तो मैक्सिमम ट्रैवल आपका M1, M2, M3 के बेसिस पे होगा, जितने भी डेस्टिनेशंस आपको एक दिन में कवर करने चाहिए मिलान में। M5 में बहुत रेयर है, वहाँ पे आपकी सिमेट्री और 1-2 मॉन्यूमेंट्स और है जो आप ट्रैवल ब्लॉग में देख सकते हैं। और जो अभी सामने देख रही है स्टारबक्स रिजर्व रोस्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारी मेन्यूज़ और बहुत सारी डिटेल्स रहते हैं, तो अगर आप नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया मिलान के ट्रांसपोर्ट का। तो ट्राम्स जो होती है येलो कलर की जनरली होती है,
और बसेस जो होती है आपकी रेड कलर की होती है, और मिलान के जो मेट्रोज़ है वो रहते हैं, तो हर जगह अनाउंसमेंट होती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप मिलान में नए हैं तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और मिलान का मुझे जो रूट्स है वो मुझे बहुत ईजी लगे। तो हमेशा अपना पूरा रिसर्च कर ले, और इस वीडियो से मैं सोचती हूँ अगर आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ हेल्प हुआ होगा, और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी।